Hi friends, फ्रेंड्स Miss KGF. Welcome to my channel. तो फ्रेंड मैं आज आप लोगों के उस सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ जो आप इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि आपने नाम इस के जी एफ क्यों रखा हुआ के जी एफ का क्या मतलब है तो के जी एफ का मतलब है मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं है एक्चुअल में के का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं जो मूवी के आई है उसे इंस्पायर होकर मैंने ये नेम रखा है और सोशल uh, मीडिया पे फर्स्ट टाइम ये नाम मैंने ही रखा है बहुत से लोगों ने कॉपी किया मैंने देखा मिस्टर के भी चल रहे हैं और uh, बहुत सी लड़कियों ने भी अपने नाम के साथ एक्स्ट्रा केजीएफ लगा लिया जिस नाम से वो फेमस है वो तो उनका है ही है लेकिन उन्होंने वैसे भी साथ नाम के केजीएफ लगा लिया है तो इस मूवी से मैं इंस्पायर हूँ बहुत से ऐसे डायलॉग है स्टोरी है बहुत ही मतलब जबरदस्त मूवी है जब देखना शुरू करो तो एकदम ना ऐसे बंद के रह जाता है जब तक तो एंड तक पूरी मूवी ना देख ले तो बहुत ही अच्छी मूवी मैंने देखी बार बार देखी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो के जी एफ में जब वो स्पेशली ये कहता है कि दो चार टिकटोकरों को पीछे करके यूट्यूबर नहीं बना हुआ है बल्कि मैंने जिन जिन को पीछे किया वो सब यूट्यूबर ही थे एक्चुअली ऐसे नहीं था डायलॉग कुछ और था वो डॉन के बारे में था लेकिन वो डॉन के बारे में था ना मैं तो यूट्यूब चैनल बना रही हूँ ब्लॉग बना रही हूँ तो मैं तो यही बात करूँगी ना तो फ्रेंड्स ये तो होगी मेरे नाम की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी है तो मेरा रियल नाम क्या रियल नाम बताना होता तो मैं फेक नाम रखती ही क्यों हाँ तो एक्चुअली uh, मैं आज आप लोगों से कुछ और डिस्कस करना चाह रही हूँ एक बीमारी के बारे में अब आप लोग भी सोचेंगे कि हर वक्त बीमारी के बारे में जिक्र क्यों करती हो क्यों तुम हर बीमारी को लेकर इतनी सीरियस हो ये सब बातें मैं भी सोचती हूँ इवन कि एक दफा मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो मैंने उसे मुझे फ़ोन पे कहता है कि क्या हाल है मैंने कहा ठीक हूँ कहता और, हूं। और क्या सुना माएंगे ठीक हूँ और सुना मैं क्या सुनाऊँ तो कहता अपने को बीमारी सुना दे मोरल लेसन के घर वाले भी आप कहते हैं कि तेरे पास सुनाने के लिए बीमारी है तो जिस बात को सुबह शाम मैं देखती हूँ महसूस करती हूँ वही बातें मैं करूँगी मैं अपने बारे में तो आपको बताने आई हूँ और तो मेरा वैसे कोई खास मकसद नहीं था यहाँ चैनल पे आने का तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक पेशेंट के फोबियाज़ के बारे में जो फोबिया मतलब फोबिया किसी डर को कहते हैं जहाँ तक मुझे याद है या जब मुझे जितनी मुझे समझ आए फोबिया कहते हैं किसी डर को तो जो पेशेंट को फोबियाज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी कि अक्सर हमें ना फोबिया जब मतलब मैं मेडिसन्स वगैरह खाती हूँ तो मुझे इस किस्म का फोबिया हो जाता है कि रात से रात को अजीब सा खौफ होता है कि रात हुई क्यों आई अंधेरा तो ऑक्सीजन नहीं आएगी रात है तो कहीं आसमान नीचे ना आ जाए तारे गिर गिर के नीचे ना गिरें अजीब किस्म की बातें जो आम लोग सुने तो शायद उनको हंसी आए उनके लिए बात बिल्कुल मजाक के तौर पे हो जाए लेकिन ये बात ऐसे नहीं होती हम लोग जो फील करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है हम लोग की सोचें आम लोगों की सोचों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और ख़ौफ भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं हमें कोई बिल्ली चूहे जिनका खौफ नहीं होता हमें अजीब खौफ होते हैं कि दरवाज़ा बंद हो गया तो पता नहीं अब कमरे में ऑक्सीजन होगी या नहीं होगी बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी है बाहर से किसी ने लॉक लगा दिया तो पता नहीं अब हम बाहर जा सकेंगे कि नहीं अंदर ही मर जाएंगे कोई हमारी हेल्प के अंदर आ सकेगा कि, कि नहीं अजीब बातें माइंड में चलती रहती हैं किचन में थोड़ी सी गैस लीक हो गई है तो पता नहीं इस गैस से ही सांस बंद हो जाएगा हम मर जाएंगे और अगर किसी नई बीमारी का हम सुन लेते जैसे पिछले दिनों कोरोना था फिर आजकल भी कुछ अजीब बीमारियां इनका मैं नाम नहीं लेना चाह रही तो जब हम उन बीमारियों के बारे में सुनते हैं तो ना चाहते हुए लगता है लो बस जितनी बीमारियां हमें ये भी हमें लग जाएंगे तो ऐसे होता तो नहीं है आ, समझ आ जाती वक्त के साथ साथ वैसे भी घर वाले समझाते हैं बाहर वाले समझाते हैं डॉक्टर समझाते हैं सब समझाते हैं फ्रेंड्स और वैसे भी आप ऐसे फोबिया में सबसे पहले आपके पास आपके फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है कि आपके फ्रेंड्स आपको इन फोबिया से बहुत जल्दी निकाल सकते हैं आपको उनकी बात कुछ ज्यादा समझ आती है इससे ज्यादा कि घर वालों की और घर वाले आपके पास बैठ के इतनी बातें आपको समझाते भी नहीं वो मोस्टली ये कहते हैं कि नहीं बेटे कुछ ना सोचो तुम बस कुछ ना सोचो तुम कुछ ना सोचो जब हम घर बैठे हैं एक बीमारी से लड़ रहे हैं या हम वैसे भी मेडिसिन uh, वगैरह खा के टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना डॉक्टर्स भी कहेंगे आप ज़्यादा मत सोचो कभी भी कोई इंसान खुद से ज़्यादा नहीं सोचता सोचो खुद ही उसके माइंड में आ जाती है मुझे ऐसा लगता है और जब हमें इस किस्म के फोबिया होते हैं तो हमें अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना चाहिए ये बातें हमें डिस्कस करनी चाहिए ना कि दिल में सोच सोच के यार मुझे ऐसे हो रहा है तो ये हो गया वो हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए वैसे मुझे तो खैर मतलब बीमारी का ये लेवल हो चुका है कि मुझे डिप्रेशन की मेडिसिन लग गई हैं दो टाइम मैं डिप्रेशन की मेडिसिन खाती हूँ क्योंकि मेडिसिन के दिमाग पे कुछ ऐसे असरात हो जाते हैं इंसान के के इंजेक्शन से नींद बेहोशी में इंसान रहता है मुझे वैसे भी चार चार दिन नींद नहीं आती आती है तो फिर दो दो दिन सोई रहती हूँ मेरा तो खैर मसला काफी बिगड़ चुका है मैं बापा अपने बारे में तो नहीं आपको क्या बता सकती या क्या बताना है आपको लेकिन ये है कि जो एक बीमार इंसान होता है उसे अजीब किस्म के फोपियाज होते रहते हैं खौफ आते रहते हैं तो उसमें से घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए बिल्कुल परेशानी होना चाहिए ये जो आपके दिमाग में चल रहा है खोफनाक ख्वाब भी जो आपको आएंगे ये सब आपके मेडिसिन का साइड इफेक्ट होते हैं आ, आ, मैं भी जब मुझे स्टार्टिंग में फोबिया वगैरह हुए तो मैंने अपनी इसी जी करवा ली मेरा दिल बंद हो गया मुझे खून नहीं बांध रहा लीवर के टेस्ट करवा लिए सौ किसम के टेस्ट करवा लिए लेकिन वो सब नेगेटिव आए थे है खुदा का तो जब आप लोगों को ऐसा फोबिया फील हो तो मत आप सोचें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही हो कि यकीन ये आपके साथ होने ही वाला है नहीं आपको सबसे पहले तो अपने स्टमिक को चेक करवाने की ज़रूरत है मे बी स्टमिक में, में ज़्यादा एसिडिटी जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है इसकी वजह से भी आपको फ़ोबिया होते हैं और सेकेंडली आपको इसमें अपने कम्युनिटी गाइडलाइन लेने, लेने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड सर्कल बढ़ाने की फैमिली में टाइम स्पेंड करें उनको बताएं ऐसा हो रहा है वो दो चार ऐसी बातें करें जो आपके माइंड में सेट हो जाएंगी जिससे आपको इससे लड़ने लड़ने का मतलब इसे की की ताकत मिलेगी आपको तो फ्रेंड्स ये थी एक फोबिया के बारे में जिक्र जो मैं आपसे करना चाह रही थी कि रात को अक्सर मुझे सारी बातें मैं तो मतलब बैठे बैठे किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती हूं नींद ना आए तो फिर ही बात है जब सारे पास सोए हो तो हम जाग रहे हो तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे आज रिया भी मेरे साथ नहीं है शनाया भी मेरे साथ नहीं है शनाया जो है वो आजकल अपने पापा के पास है क्योंकि उन्हें घूमना फिरना था तो उनके साथ है वो भी मेरे पास नहीं आई आजकल मैं वैसे काफी लोनली सा फील कर रही हूँ तो मेरा जो भतीजा है वो क्यूट भतीजा मेरा वो मेरे पास है तो उसके साथ ही मैं सारा दिन बिज़ी होती हूँ खुश रहती हूँ बच्चों के में रहने मुझे अच्छा लगता है बच्चों में रहना तो उनके साथ रह के मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ तो बस ये ऐसी लाइफ रूटीन चल रही है और बाकी आप लोगों के लंग्स के मुतल जो आपने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज किए हैं वो मैंने रीड कर ली और आपको रिप्लाई भी मैंने की है आप चेक कर लीजिएगा और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी लंग्स के बारे में या वैसे कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं Thanks for watching my vlog. Thank you. Allah Hafiz.